गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ। वो है ये विश केयर का अनियन जिंजर शैम्पू और मैं विश केयर ब्रांड का ये फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। इनके कंडीशनर भी आते हैं, इनके ऑयल्स भी आते हैं, पर मैं फ़र्स्ट टाइम इसका शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और ये सैम्पल प्रोडक्ट है तो इसको मैं 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं और कम क्वांटिटी लगती है, इसीलिए मैं इसको 3 बार यूज़ कर पाई, नहीं तो मैं इसको 1 या 2 बार ही यूज़ कर सकती थी। और कैसा इसने मेरे बाल पर काम किया, कैसा है, मुझे पसंद आया या नहीं, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि ये विश केयर ब्रांड का अनियन जिंजर शैम्पू है और अनियन जिंजर बहुत अच्छे होते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को हेल्दी बनाने में। अनियन जो है उसमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है जिससे कि बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। जिंजर है, जिंजर भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को झड़ने से बचाता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को, ईची स्कैल की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें अनियन जिंजर ही यूज़ किए गए हैं, इसमें और भी सारी नेचुरल अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ की गई हैं, साथ ही साथ कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं, पर जो भी सारे केमिकल्स हैं वो ज़्यादातर हेयर केयर प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं और कोई भी हार्श केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया गया है। ये जो शैम्पू है ये पैराबेन, सल्फेट, सॉल्ट, मिनरल ऑयल से बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई भी हार्श केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे नेचुरल अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ की गई हैं। कुछ जो केमिकल्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, कुछ फ्रेग्रेंस के लिए, कुछ थिकनर के लिए, कुछ फोमिंग के लिए, इसमें वो सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो 300 ml का आता है, जो कि आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा ऑनलाइन। आपको उस पर डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। इस ब्रांड का सिर्फ शैम्पू ही नहीं आता है, इनका कंडीशनर भी आता है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप दोनों को साथ में यूज़ करते हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये जो शैम्पू है क्लेम करता है कि आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, सिर्फ बालों को ही नहीं आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को ये प्रमोट करता है। शैम्पू है सारे हेयर टाइप्स को सूट करता है। आपका कोई भी हेयर टाइप हो, आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया हो, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। ये जो शैम्पू है ये मिलकर बना हुआ है जिंजर जूस से, अनियन जूस, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, फेनिग्रीक एक्सट्रैक्ट, आर्निका एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट, सोडियम लॉरेल सार्कोसिनेट, लॉरेल ग्लूकोसाइड CAPB और PEG 40, हाइड्रोजनेटेड कस्टर्ड ऑयल PEG 6000, GHTC, वेजिटेबल ग्लिसरेन, कोको, ग्लूकोसाइड, एक्वा, ये सारी चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है। इसमें जो भी केमिकल्स यूज़ किए गए हैं उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और इसमें जो भी केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, जब उनको मैंने देखा तो सारे ही हेयर के लिए सेफ़ हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स में ही यूज़ किए जाते हैं। और ये सारे जो केमिकल्स हैं ये बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए और फोमिंग के लिए, इनमें क्लेंजिंग एजेंट पाया जाता है, कुछ में अच्छी कंडीशनिंग के कारण, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि आप इसको यूज़ करने से पहले इनका ही ऑयल आता है, अगर आप वो यूज़ करते हैं और इस शैम्पू करने के बाद इनका कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसको यूज़ करने के लिए आप पहले इसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर लीजिए, फिर बालों में अच्छे से मसाज कीजिए और वॉश कर दीजिए, और उसके बाद इनका ही कंडीशनर आप यूज़ करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैंने तो इनका ऑयल यूज़ नहीं किया, ऑयलिंग की थी, पर मैंने दूसरा कोकोनट ऑयल लगाया था और कंडीशनर के लिए भी मैंने दूसरा कंडीशनर यूज़ किया था, पर इसके मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं और कलर करवा करवा के स्मूथनिंग करवा चुकी हूँ तो थोड़े से डैमेज भी हैं, तो मेरे बालों पे अच्छा ही काम किया। मतलब बाल फ्रीजी नहीं थे, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, मतलब बहुत अच्छे से लेदर करता है, जैसे कि आपका स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और बाल अच्छे लगेंगे, ड्राई नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे से बालों को क्लीन करेगा, साथ ही साथ नरिश करता है। कंडीशनर आप कोई भी यूज़ करोगे ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बिल्कुल आप इसको एक बार यूज़ कर सकते हो, परचेज़ करके देख सकते हो। मैं भी इसका बड़ा बॉटल जो है वो एक बार ज़रूर लूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा काम किया। और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि बालों के लिए काफ़ी अच्छी हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।